हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राजू प्रसाद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज को AIMT के नाम से भी जाना जाता है और ये कॉलेज बेसिकली अपने PGDM कोर्सेज एंड BTech कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस वीडियो में हम इस कॉलेज के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा क्योंकि हम सबसे पहले इस कॉलेज के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर फैसिलिटीज, रैंकिंग, पॉपुलर कोर्सेज, स्कॉलरशिप्स एंड एट द एंड हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्यूरेट कॉलेज। इस कॉलेज की अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट डेट की बात करूं तो 2006 का ये एक प्राइवेट कॉलेज है। ये एफिलिएटेड है बाय AKTU। इस कॉलेज को AICTE एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD के थ्रू इस कॉलेज को अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो UG PG कोर्स ऑफर किया जाता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और यहाँ का जो एप्लीकेशन फीस है वो 1100 रुपीज का है। एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस, आपको दोनों तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं इस कॉलेज में। एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो JEE मेंस, कैट, मैट, जेट, ATMX, CMAT एंड GMAT के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज के कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं जैसे कि ICICI बैंक है, SCL है, Naukri.com है, TCS है, डाबर है, विप्रो है, ये सारी कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है। तो आगे बढ़ते हुए मैं बात कर लेता हूँ इस कॉलेज के कुछ फैसिलिटीज के बारे में। यहाँ पे आपको कैफेटेरिया मिल जाता है, जिम फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस आपको मिल जाता है, शटल सर्विस आपको मिलता है, हर एक कोर्सेज के लिए आपको एक अच्छा खासा फैसिलिटीज के साथ लैब फैसिलिटी मिल जाता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इस कॉलेज में। मैं अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं यहां पर तो आपको ट्रिपल ऑक्यूपेसी का आपको हॉस्टल मिल जाता है 65,000 रुपीज का, डबल ऑक्यूपेसी का हॉस्टल 75,000 रुपीज का है। अगर मैं सिंगल ऑक्यूपेसी हॉस्टल की बात करूं तो 85,000 रुपीज तक आपको यहां पे हॉस्टल देखने को मिल जाता है। एंड AC हॉस्टल भी है यहां पे डबल ऑक्यूपेसी का जिसका फीस 1,05,000 रुपीज है। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज थे एक्यूरेट कॉलेज का। इसी के साथ मैं कुछ रैंकिंग्स की बात कर लेता हूं, इस कॉलेज को क्या क्या रैंकिंग मिला हुआ है। इस कॉलेज को टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी अवार्ड मिला है नॉर्थ इंडिया में बाय जागरण जोश। इस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड का भी इस कॉलेज को अवार्ड मिला हुआ है, और इस कॉलेज को बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन का भी अवार्ड मिला है नॉर्थ इंडिया बाय द एजुकेशन पोस्ट एंड द बिजनेस वर्ल्ड। और अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करूं तो इस कॉलेज को बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का भी अवार्ड दिया गया है। और अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग की बात बताऊं यहां पे तो दिल्ली NCR में ये टॉप 25 कॉलेज में भी आता है फॉर द BTech कोर्सेज। अब हम इस कॉलेज के कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे आपको BBA कोर्स देखने को मिल जाता है जिसका टोटल फीस 1,95,000 रुपीज है। 10th एंड प्लस टू के एग्जाम्स के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको BCA कोर्स देखने को मिल जाता है, 1,65,000 का फीस है। PGDM कोर्स है यहाँ पे 3.6 लाख, इसका सिर्फ फर्स्ट ईयर का फीस है। यहाँ पे into 2 कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 2 साल का फीस। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। MBA की बात करूँ तो 1,32,000 रुपीज़ इसका टोटल फीस है। एडमिशन क्राइटेरिया मिनिमम 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। BTech की अगर मैं बात करूँ तो 1,23,000 रुपीज़ यहाँ पे टोटल फीस है, 10th प्लस टू विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन PCM। MCA कोर्स आपको मिल जाता है, 1,00,000 रुपीज इसका फीस है, ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर मैं B Pharma कोर्स की बात करूँ तो 1,22,000 रुपीज यहाँ पे टोटल फीस है, 10th प्लस टू विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। D Pharma में आपका टोटल फीस 1,00,000 रुपीज है, डिप्लोमा का फीस 50,000 रुपीज है, पॉलिटेक्निक का फीस यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज देखने को मिल जाता है, और BCom का फीस आपको 65,000 रुपीज है। ये सारे फीस आपको फर्स्ट ईयर का है, बाकी नेक्स्ट ईयर में सेम फीस आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं यहां पे तो आपको यहां पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलता है जो कि 20,000 का होता है। उसी के साथ यहां पे आप एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है जो कि 20,000 to 30,000 का होता है यहां पे। तो ये सारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे इस कॉलेज के बारे में। अब हम फाइनल टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं, वो है प्लेसमेंट, कि यहां पे प्लेसमेंट कैसा जाता है। तो अगर मैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करूं 2020 एंड 2022 की, जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो कॉलेज के वेबसाइट पे 100% का दिया हुआ है, और जो हाईएस्ट CTC गया था वो 10.8 LPA का गया था। एवरेज CTC की अगर मैं बात करूं तो 5 LPA का आपको यहां पे एवरेज CTC देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करता हूं कुछ लोवेस्ट पैकेज की, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स का कितना पैकेज जाता है, तो आपका 2.4 to 3 lakh तक का यहां पे आपका एवरेज प्लेसमेंट चला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं इस कॉलेज के बारे में कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज का, और यहां पे कितने तक
का प्लेसमेंट गया है। यहाँ पे आपको बायजूस मिल जाता है जिसका 10 LPA तक का प्लेसमेंट गया है। इंडस वैली है 6.5 LPA का, एडिप्शिया है 4 LPA का, चेतु है 4 LPA का, जस्ट डायल 3.8 LPA का है, बीटा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी 3.6 LPA का, TCS 3.96 LPA का, विप्रो 3.5 LPA का, वर्कुस 3 LPA का। तो ये कुछ टॉप एजुकेटर कंपनीज हैं इस कॉलेज में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस कॉलेज के बारे में इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक बेसिक फी स्ट्रक्चर मिल जाता है और एक बेसिक आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। फैसिलिटीज़ आपको नॉर्मल है जो कि हर एक कॉलेज पे मिलता है। तो अगर इसके अलावा अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्यूरेट के बारे में, या फिर और किसी कोर्सेज के बारे में, या फिर आपको और भी कुछ जानना है एक्यूरेट कॉलेज के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे या एक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले एक बार जरूर बात कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अब तक देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।